बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.17 को डिस्कस करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई चीज़ आप जो है वो समझने वाले हैं। आपके सामने जो है लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? तो लीनियर इक्वेशन ये होती है कि ये आपके लिए बेटा एक, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, नई चीज़ है, नई टेक्निक है। ठीक है, आज से आपका जो मींस के प्रॉपर जो आपका जो वास्ता है वो अलजेब्रा से पढ़ने वाला है। मींस के पहले भी आपने अलजेब्रा ही किया है, लेकिन अब जो है वो प्रॉपरली अलजेब्रा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लीनियर इक्वेशन, इसमें जस्ट आगे वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आपको जो है वो समझने में, आपको समझने के लिए जो है वो मिलेंगी जी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन ये है कि अगर आपके पास कोई ए बी एंड सी, ये कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर्स, इस एक लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जो है वो जीरो ना हो, तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगी ये लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स क्या है? इसमें एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सी जो है ये एक कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? ए बी इनके क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं ए और बी, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ए इसमें एक्स वाई वेरिएबल दो वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है, ए बी जो है ये कोएफिशिएंट है, और ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसकी एक और टाइप, अगर आप मतलब इसकी एक और फॉर्म देखें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इसके अंदर ए बी जो है वो रियल नंबर होंगे और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसमें ए बी जो है ए कोएफिशिएंट है, बी कांस्टेंट है, एक्स इसके अंदर वेरिएबल है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आगे हम बात करेंगे स्लोप की। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे जी। तो बेटा ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसको हम डिस्कस करने वाला है कि आपके सामने एक ग्राफ मैंने बनाया है, ये एक शेप मैंने बनाई है जिसके अंदर ये वाला, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये तीर के निशान लगे हुए, इसका मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू है। उसके बाद ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? स्लोप का असल मीनिंग जो है वो ढाल होता है, मीन्स के ढलवान, तिरछा, ठीक है, जिसकी ढलवान हो। ये स्लोप देखें, स्लोप जो है ये इसका भी जो हमने ये लाइन लगाई है, इसके ऊपर भी हमने एरो के निशान लगाए दोनों तरफ, इसका मतलब ये है कि ये भी लाइन कंटिन्यू है, ये अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा ये होती है कि इसका ये स्लोप है, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम स्लोप है, और इसके ऊपर ये जीरो और सी जो है, ये जीरो कॉमा सी आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट है। इसमें देखे वाई वाली लाइन के ऊपर एक्स के तमाम पॉइंट्स जो है वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जीरो और वाई वाला जो पॉइंट है वो सी होगा, ठीक है। तो इस तरह ये स्लोप बन गया, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर m एंड c आर कॉन्स्टेंट, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास m और c कॉन्स्टेंट है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर हम m की वैल्यू, स्लोप y की वैल्यू भी निकालेंगे, स्लोप की वैल्यू भी निकालेंगे, मीन्स कि m क्या होता है आगे तमाम क्वेश्चंस के अंदर, फिर उसके बाद हम जो है वो y के कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे इस तरह करके। ये y के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ y, ये वाले भी आगे पॉइंट निकालेंगे, m भी निकालेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। अब हमने वहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को आगे डिटेल से डिस्कस करना है, उसकी मुख्तलिफ चीजें फाइंड करनी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। हाँ जी, तो बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन के मैंने तीन पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं, इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, बड़े ही एहतियात के साथ हमने केयरफुल तरीके से क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है, आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। बेटा फर्स्ट मेरे पास पार्ट है इसका, इसको फर्स्टली हमने लिखा इसका सोल्यूशन, इसको पहले लिखा एज इट इज 10x प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 5y, ठीक है। बेटा इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है, सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू, मीन्स के y को आपने अकेला करना है। आपको नजर आ रहा है y के साथ माइनस 5 है, तो आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड 5 माइनस
माइनस फाइव कर दें या फाइव कर दें, डिवाइड फाइव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वाई को डिवाइड कर दें, टेन एक्स प्लस 35 इसका बटा 5 इसका बटा 5 इज इक्वल टू माइनस का 5। हाँ जी, इसको करें आप 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 35, तो ये आपके पास आ गया 2x + 7 इज इक्वल टू माइनस का y। इस माइनस y को इधर ले आए और इन वैल्यूज को उधर ले जाएं, जब y इधर आएगा तो y इधर आके प्लस का हो गया, 2x उधर गया तो माइनस का हो गया, और इसी तरह माइनस का 7 भी आ गया। तो बेटा आप गौर कर सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू ये एम एक्स प्लस या माइनस, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता है, एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो इसके अंदर आपके पास जो स्लोप है, जो m की वैल्यू है, वो आपके पास यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे फिर लिख देता हूँ एम एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर जो है हमारे पास m की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई है, स्लोप जो है मीन्स के जो m है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। चेक कर सकते हैं आप एम एक्स प्लस या माइनस सी, ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई है। उसके बाद जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे, ठीक है, हाँ जी, जब हमने यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट लिखने हैं बेटा, y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपके पास x जो है वो 0 होता है, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 7 है, तो मीन्स के आपने लिखा हुआ था 0 एंड c, वो ग्राफ के अंदर मैंने आपको समझाया भी था ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो आएंगे 0 और माइनस का 7, ये y के कोऑर्डिनेट, ये m की वैल्यू है और ये y कोऑर्डिनेट्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी आपने y अकेला करना है बेटा, इसको ऐसे करें x को उस तरफ ले जाएं, सबसे पहले इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, तो इक्वल इसके अंदर है तो पहले नहीं लिखेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, x को उस तरफ लेके जाओ तो 4y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 8। अब इस 4 को आप डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो 4y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 इसका बटा 4 इसका बटा 4 इसका बटा 4, ये कैंसल, y इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये x और 4 × 8 प्लस c की वैल्यू ये आ गया। इसी तरह आपके पास जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये m की वैल्यू है, ये x है प्लस c। अब आपको स्लोप फाइंड करना बहुत ईजी हो गया, m की वैल्यू मेरे पास माइनस 1/4 आ गई है। इसी तरह जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0 और c जहां पे था 2, ठीक है, 0 और 2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। इसको मैंने ये साइड पे कर दिया, नेक्स्ट इसको लिखा फर्स्टली एज इट इज सॉल्यूशन, माइनस 8x प्लस y इज इक्वल टू 5, इस माइनस 8x को उस तरफ ले जाओ, y इज इक्वल टू प्लस का 8x और ये प्लस 5। अब ये हो गया, ये ऑलरेडी आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, इजीली आप यहां से m की वैल्यू 8 लिख सकते हैं, और y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 0 और 5। इस तरह जो है ये आपके पास वैल्यू कंप्लीट, इसके पहले 3 जूस मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 को देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2-3 तक मूव करेंगे। जी तो बेटा इसी तरह मेरे पास इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, इसके अंदर भी हमने तीनों चीजें फाइंड करनी है, पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, फिर हमने इसमें से स्लोप फाइंड करना है, और फिर हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो इसमें से फाइंड करनी है। बेटा बहुत इजी है, अभी इसके पीछे हमने 3 जूस किए हैं, तो फर्स्ट इसको लिखेंगे, इसको पहले एज इट इज 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6x माइनस 8 को इस तरफ ले जाए, 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 8 हो गया। अब इस 2 को आपने डिवाइड कर दिया, इसका बटा 2 इसका बटा 2, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ आपके पास 3x प्लस 4, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है ये वाली। अब इसके अंदर ये बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है ये वाली इक्वेशन। अब आगे आपके पास जो m की वैल्यू है वो 3 है, और y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास होगा 0 एंड 4। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसको फर्स्ट लिखें 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9, पहले आप 3 को डिवाइड कर दें, 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9 इसका बटा 3 इसका बटा भी 3 और इसका बटा भी 3, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, तो ये आपके पास 5x, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, ये हमारे पास भी 3 आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है, अब m की वैल्यू इसके अंदर जो है वो m 5 है, m इज इक्वल टू 5, और y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास 0 एंड 3। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके 6 पार्ट की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको फर्स्ट लिखा एज इट इज 3 इज इक्वल टू x ओवर 4 प्लस y। अब आपने ऐसे करना है कि y आपने अकेला करना है और बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाए, इसको इधर ले जाए,
ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई। अब जब इक्वालिटी है तो वाई को इधर लिखें, इसको उस तरफ जो है वो लिख ले, वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर एक्स प्लस थ्री। इसको फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको एक्स वन द एक्स ओवर फोर हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने लिखा है y is equal to mx plus c। अब ये slope intercept form हो चुकी है, अब m की value इसमें से है हमारे पास minus 1 over 4, और y intercept जो है, y intercept form जो है वो 0 और 3 हमारे पास। मुकम्मल हो गया question। तो इस तरह हमारे पास first question बेटा complete हो गया। next move करेंगे इसके next question number 2 और 3 की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता इफ 2x plus y is equal to 4 then find value of y when x is equal to 13। ये हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले हमने इसको लिखना है जी सॉल्व, इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिखा 2x plus y is equal to 4, आप इसको y एक तरफ कर लें और बाकी वैल्यू एक तरफ कर लें, तो y is equal to minus का 2x plus 4। अब इसके अंदर हमने x की जो वैल्यू है वो 13 पुट करके हमने y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब यहां पे हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट, या आप इसको पुट भी कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 13, आप इस इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप x की जगह पे 13 पुट कर दें, y इज इक्वल टू माइनस 2, x की जगह पे 13 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू ये माइनस का 26 प्लस ये हमारे पास आ गया बेटा 4, तो y की वैल्यू जो मेरे पास आ गया है माइनस का 22, y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी बेटा इसका मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, इफ 2y-7x इज इक्वल टू माइनस 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। हाँ जी कहता है कि जब इसकी वैल्यू जो है वो x की 3 हो तो आप y की वैल्यू फाइंड करें इसमें से। फर्स्टली इसका लिखना है हमने सॉल्व, इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको इक्वेशन को लिखें 2y-7x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इसको पहले लिखा हमने 2y-7x इज इक्वल टू माइनस 3, अब इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, तो हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में, अच्छा पहले इसको पुट नहीं करना, शिट जी, सबसे पहले आप इसको 2y-7x इज इक्वल टू माइनस 3 को आप y मतलब के सिंगल y की फॉर्म में ले आए, अब इस माइनस 7x को उस तरफ लेके जाएं, 2y इज इक्वल टू 7x और ये माइनस का 3, अब इस 2 को डिवाइड कर दें, 2y इज इक्वल टू 7x माइनस का 3, अब इस 2 को डिवाइड किया इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 7 ओवर 2 x माइनस 3 ओवर 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। अब पुट कर दें x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसको मजीद आप यहां पे शिफ्ट कर लें, y इज इक्वल टू 7 ओवर 2 x माइनस 3 बाय 2, x की जगह पे आप 3 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 7 ओवर 2 x की जगह पे 3 पुट किया माइनस 3 ओवर 2, y इज इक्वल टू 7 3 21 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2, इनका ले लिया हमने LCM, LCM मेरे पास आ गया 2, ये 21 माइनस 3, ठीक है, तो 21 माइनस 3 हमारे पास आ गया जी 18 ओवर 2, 2 वन 2 2 9 18, तो y इज इक्वल टू 9 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट इस तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अच्छे से पहले देखें, पहले कहता है कि इफ 7y-10x-70 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन चेंज है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने दूसरे तीसरे सवाल के अंदर y की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू पुट की थी, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्व जिसे करना है 7y-10x-70 इज इक्वल टू 0, अब आपने x की वैल्यू अकेली निकालनी है। ठीक है, 10x को उस तरफ लेके जाएं तो 7y-70 इज इक्वल टू 10x हो गया। ठीक है, अब इस 10 को आप डिवाइड कर दें, यहां पे लिखें डिवाइड 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 10 को डिवाइड कर दें, 7y/10-70/10 इक्वल 10y/10, ये कैंसिल, ये 7 बच गया, तो हमारे पास इस y को आप इस साइड पे लिख लें, y इज इक्वल टू 7/10, ये यहां भी y, यहां पे x आना था, सॉरी यहां पे x, और इस x को आप इस तरफ लिख लें तो 7/10 y और माइनस का 7। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, तो बेटा पुट करेंगे यहां पे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन
इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आप वाई की जगह पे माइनस वन दर्ज कर दें, ठीक है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इक्वेशन वन लिखें, जो इक्वेशन वन है एक्स इज इक्वल टू सेवन ओवर टेन वाई माइनस सेवन, इसमें आपने पुट करना है वाई की जगह पे माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू सेवन ओवर टेन इसकी जगह पे माइनस वन माइनस का सेवन, सेवन वन द माइनस सेवन ओवर टेन माइनस सेवन, इनका ले लें आप एलसीएम, एलसीएम लिया तो माइनस का सेवन माइनस टेन मल्टीप्लाई सेवन, ठीक है, टेन मल्टीप्लाई सेवन किया तो ये आ गया हमारे पास सेवनटी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का सेवनटी सेवन ओवर टेन। तो x इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड किया आपने तो हमारे पास जवाब आ गया माइनस सेवन पॉइंट सेवन एक्स की वैल्यू, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो x इज इक्वल टू माइनस सेवन पॉइंट सेवन आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही जो है हम इसको जो है वो वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।